all I know is you'll find when you do what you do. And babe, I wanna make you mine when I see those hips move. सो हे गाइस, कैसे हो यार आप लोग? आ चुका हूं न्यू सोलो बस स्क्वाड की वीडियो लेके भाई, और आ चुका हूं पोचिंग की। तो यार बहुत बंदे मेरे को नीचे कमेंट आएगा क्या बोलेंगे, तू बोल रहा है सोलो बस स्क्वाड लेकिन गेम प्ले तो स्क्वाड का है। भाई बात ऐसी है, जो मेरे साथ में तीन जो बंदर हैं मतलब लंगूर हैं, वो यहाँ पे लुढ़कने वाले हैं, बचूंगा अकेला मैं। तो हुआ ना एक तरह से सोलो बस स्क्वाड। फिलहाल यार मैं फाइव फिंगर पे स्विच कर चुका हूँ और ये रहा मेरा लेआउट। थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है इस लेआउट को मतलब एडजस्ट करने में या फिर इस पे हाथ या पकड़ बनाने में, लेकिन टाइम के हिसाब से इस पे भी मैं मास्टर कर लूँगा। फिलहाल यार सामने मेरे को कुछ बंदे स्पॉट होते हैं और एकेएम तो भाई मिल चुकी थी यहाँ पे उतरने के साथ में, जो कि भाई लग भयानक वाला था। फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ पे रश करने के लिए और तब तक एक बंदा हम लोग को हो जाता है नॉक और जाता है इसको बचाने का दूसरा बंदा, लेकिन यार वो भी नॉक हो जाता है, बचा तीसरा। तो बस देखो क्या होगा यहाँ पे। और यार यहाँ सामने भी कुछ बंदे थे तो देखो निपटाना तो पड़ेगा उनको भी। अब भाई इसीलिए कहते हैं गन को डिसलेक्ट करके कभी भी हीलिंग्स नहीं करनी चाहिए। हीलिंग कंप्लीट होगी गन आपके हाथ में जाएगा नहीं, दूसरा बंदा आपको आके आराम से घेर कर देगा। फिलहाल देखो चौथा बंदा आ रहा होता है। अब भाई यार यहाँ पे देखना, मतलब बोला हूँ आदि नहीं है कंट्रोल का, मैं अभी बस नया ही निकाला है ये कंट्रोल और थोड़ा सा एडजस्ट इसको मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, पकड़ बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं पीक और स्कोप दोनों को खोलने चाह रहा लेकिन भाई हो नहीं पाया। फिलहाल यार जल्दी से लूट करके यहाँ से निकलते हैं और तभी हमारा तीन नंबर और चार नंबर दोनों नॉक होने वाला है। तो भाई देखो बदला लेना पड़ेगा उनसे भी। अब यार इनको मैंने बोला था भैया उंगली मत करो, स्क्वाड आई है तो आराम से वहाँ पे भाई सिचुएशन को देखो क्या है कहाँ पे है बंदे, उसके बाद जाकर उन पर रश करना है, लेकिन नहीं खुले सांड की तरह घुसना है। तो लो भैया चटनी बन गया तुम्हारा। अब भाई बचाना मतलब बच तो ये नहीं पाए हैं लेकिन बदला तो भैया लेना पड़ेगा इनसे। तो देखो कैसे निपटाते पूरी स्क्वाड को। फिलहाल यार अब मेरे को ये वाली क्लिप देख के ना बहुत बंदों को कमेंट आया कि तू हैक कर रहा है। भाई बात ऐसी है कि सामने से बंदे दो बंदे थे निकलेंगे जो, और यहाँ पे मैंने फ्री फायर दिया, फ्री फायर में दोनों आ गए। फिलहाल यार एक बंदा उस टीम का आता रश करने के लिए, इसको नॉक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है रश करने के लिए लेकिन वो पता नहीं क्या सोचती वो चल जाता है पीछे। तो जो ये नॉक वाला बंदा था मुक्ति देते हैं जल्दी से उसको। अब भाई देखो बात ऐसी है कि जिस बंदे को पहले आप मैंने नॉक किया था स्मोक के अंदर, वो बंदा चला गया था सैक के अंदर ठीक, और इसका जो चौथा बंदा था उसको आता है रिवाइव देने के लिए। और भाई इसकी जो मौत हुई है ना मतलब क्या ही मौत हुई है। अगर आपको इस मौत से मजा आया हो ना देखो लाइक ठोको और टीममेट की हंसी देखो। फिलहाल यार लाइक तो बनता है इसके मौत पे। फिलहाल आप जल्दी जल्दी यहाँ पे लूट करते हैं और भाई सही बताओ ना पोचिंग की में एक बंदा भी और बचा नहीं था, लेकिन घूम फिर के हमारे बॉल्ड बाबा आ जाते हैं। तो बॉल्ड बाबा को पहले प्रणाम करके मुक्ति देते हैं जल्दी से उनको, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। और भाई सही बताओ ना पोचिंग की और कोई बचा नहीं, उसके बाद यहाँ से मैं निकला बग्घी लेने के लिए और एग्जैक्ट मेरे को बग्घी मिल भी गई और सामने एक जॉब गिरा था और बगल में एक फ्लेयर जॉब भी था। तो पहले सरकारी जॉब के पास जाते हैं और उसके बाद जाएंगे प्राइवेट जॉब के पास में। और नीचे गैस करके बताओ कि इस जॉब में मेरे को क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या मिल सकता है इसमें मेरे को, कॉमेंट में जाकर बताओ मेरे को, बताओ बोल रहा हूँ बताओ जाके मेरे को। फिलहाल यार आपको मैं एक क्लू दे देता हूँ कि इसमें एक ऐसी गन मिलेगी जिसको मैं सोलो बस स्क्वाड में कभी प्रीफर करूँगा नहीं आप, या तो यूज करने के लिए या फिर आपको मैं सलाह दूंगा कि इसको यूज करो आप, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही प्रो हो ना तभी इसको जाकर यूज करना। कौन सी गन है अगर आप लोगों ने अगर पता कर लिया हो मुझे कमेंट में जाकर बताना। फिलहाल यार जॉब में आते हैं और जॉब में भाई बता देता हूँ क्या मिलता है, ज़्यादा आपको दिक्कत होगा नहीं मैं समझा देता हूँ। अब यार जॉब में मिलती है MK14 जो कि एक ऐसी गन जो कि सबसे बेस्ट गन है अभी तक की पबजी मोबाइल की, सबसे हाई डैमेज वाली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कम से कम 20 बुलेट आती है। हाँ 20 बुलेट ही आती है और इसमें आप स्क्वाड क्लच कर सकते हो, बट हाँ अगर आप उस लेवल के प्रो हो तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ इसलिए मैं इसको उठाया ही नहीं और आगे मैं जॉब हंट करने मतलब कि फ्लेयर जॉब के पीछे आ गया। और यार यहाँ पे आने बाद मालूम चलता है कि जिसने फ्लेयर चलाई थी वो यहाँ पे है ही नहीं। सही बताऊँ तो मैंने बहुत यहाँ पे खोजा लेकिन नहीं मिला। और भाई वो कहते हैं ना 1% भी अपना कम से कम देना चाहिए, क्या पता वो 1% भी आप अगर आप चेक कर लो ना तो बस किल मिल जाए आपको।
तो यार यहाँ पे मैं बस बग्घी उमा का चेक कर रहा होता हूँ, क्या पता वो बंदा मेरे वहाँ से निकल कर एक कम से कम फुटस्टेप तक दे, लेकिन भाई बंदा यहाँ पे था ही नहीं तो कहाँ से फुटस्टेप मिलता। और यार यहाँ पे मैं बहुत डर चुका था क्योंकि भाई देखो प्लेयर चली हो बंदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक ना। तो बस देखो यार यहाँ पे मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया था, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, जॉब आ चुका था तो जॉब को लूटना पड़ेगा जाके। और जब मैं आता उसको जॉब को लूटने के लिए, लेकिन तभी भाई पीछे से फायर आता है और यहाँ पे कुछ पहाड़ी बंदे थे, लेकिन पहले जो जॉब में वेपन्स हैं अपने उठा लेते हैं। और यार यहाँ पे जॉब के लालच में कम से कम दो टीम तो भाई आती है, और यार बीच में कैसे थर्ड पार्टी करता हूँ बस आप लोग देखना वीडियो में। लाल यार जो सामने टीम होती है वो मेरे पे रश कर देती है, और मुझे पता था वो बंदे कहाँ पे जाकर रुकेंगे या फिर कहाँ से मेरे पे रश करने आएंगे, और एग्जैक्ट मैंने वैसा ही वहाँ पे प्रेडिक्ट किया। और प्रेडिक्शन के हिसाब से यहाँ पे मैंने ग्रेनेड निकाला और सामने शो कर दिया, क्योंकि भाई बात ऐसी है कि देखो सामने बंदे आएंगे और वहीं पे आकर टीपी पी लेंगे या फिर वहाँ पर से रश करने की सोचेंगे। और वहाँ पे पहले मैंने ग्रेनेड कर दिया बिना कुक किए, इस उम्मीद में कि कम से कम बंदा फट जाए या फिर बंदा को कुछ ना कुछ डैमेज हो जाए। लेकिन अब तभी दो टीम आती है या दो गस पे जाते हैं इनको, अब भाई सही बताओ ना इस बंदे को मेरे को नहीं मारना था। क्यों? क्योंकि देखो इस बंदे को अगर मैं मारा ना पूरे बंदे खत्म हो गए, अगर इस बंदे को नहीं मारता और जो नॉक हुए थे उनको मैं फिनिश करता तो मेरे को ज्यादा ही किल मिलते, लेकिन यार इतनी किल भी सही है। फिलहाल भाई यहाँ पर सब लूट को मेरे को बहुत भयानक वाली मिल गई थी, मेरे को जो चाहिए था सब कुछ ऐसा मिल गया था। और उसके बाद मैं गया एक फ्लेयर के पीछे, और भाई फ्लेयर देखो कहाँ पे आकर चलाया है उन्होंने, एकदम ओपन में, और शायद से उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई यार। और देखो यार बग्घी में बहुत ही पीछे से रोकता हूँ क्योंकि उनको फुटस्टेप नहीं आए, फुटस्टेप बोलो बग्घी की साउंड कम से कम तो नहीं आए। और सामने बंदा दिखता है तो भाई देहो के सामने निपटाते हैं उसको, ये बंदा दिखता है जो कि आराम से नॉक हो जाता है, और दूसरा वाला बंदा भाई हेडशॉट दिया लेकिन नहीं लगा। लेकिन फिर से देखो हेडशॉट दिया लेकिन नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं लगा। लेकिन भाई साहब दूसरी बारी में बंदे को मैं आराम से ढक लेता हूँ, और शायद से ये दो ही बंदे यहाँ पे थे जो कि मेरे को आगे जाके नहीं मिलता है कोई, इसका टीम में जाकर रश करता हूँ इनके ऊपर तो, और बस नहीं मिलता यार, तो बस करते हैं ख़त्म इनको और ख़त्म करके निकलते हैं जल्दी से। फिलहाल यार इन दोनों को तो मैंने बहुत ही आराम से खत्म किया। उसके बाद यहाँ से मैं गया बंदों को हंट करने, और यार यहाँ पे मेरे साथ जो हुआ है ना बहुत ही फनी सीन था, मतलब बहुत ज़्यादा फनी सीन था। आप लोग बस देखना यहाँ पे, आप लोगों को फनी लगे ना लगे मेरे को बहुत ही ज़्यादा फनी लगा। क्यों? क्योंकि भाई बोला अभी जस्ट मैंने 5 फिंगर पर स्विच किया है, कंट्रोल लेआउट सही से बैठ नहीं पा रहा है, तो कुछ गलतियाँ हो रही है, लेकिन भाई न्यू लेआउट पे इतना ज़्यादा किल करना भाई आम बात नहीं है, और डायमंड टायर पे तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल यार देखो मैं कवर में आ गया, उसके बाद जाकर मैं मरा, क्या कर सकते हैं भाई, बैड लक था। फिलहाल वीडियो में बस यही था, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू किया सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय। Running through my veins like it's cocaine. We always move fast, never in the slow lane. Enough foreplay. Wait a
falling down that pole, throwing ones like I'm falling.